बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। तो इसके साथ हम एक रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। उसके बाद हम ये रिलेशन प्रूव करेंगे एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू आर एल्फा, और वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ रेट ऑफ चेंज को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय अ सिंबल अल्फा, इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, जिस तरह हम लोग लीनियर वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। इसी तरह यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपके पास सिंबल है इसे अल्फा है। मैथमेटिकल फॉर्म, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज़ नॉट कांस्टेंट, पॉइंट पी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, देन पॉइंट पी हैज़ एक्सेलरेशन, पॉइंट पी का एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। अगर पॉइंट पी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेट ओमेगा वन एंड ओमेगा टू बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमने देखा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है ओमेगा वन से ओमेगा टू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी वन एंड टी टू रिस्पेक्टिवली, कि ओमेगा वन ओमेगा टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ हैं एट टाइम टी वन एंड टी टू पे। सो वी कैन राइट द मैथमेटिकल फॉर्म एक्सेलरेशन सिमिलरली वेलोसिटी की तरह भी, जिस तरह हमने लिखा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा टू वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने लिखा द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी कि ज़रूरी नहीं हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट की ही वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना है, किसी भी टाइम पे हमने अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एल्फा इक्वल आएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करेगी ज़ीरो को डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, कि लिमिट डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करने से मुराद है कि हम किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और ये जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। आपको राइट हैंड रूल का पता है, हमने पिछले दो लेक्चर में सीखा है। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन था, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स डायमेंशन इज़ टी माइनस टू, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन टी माइनस वन थी तो इसकी भी डायमेंशन बनेगी टी माइनस टू। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कंसीडर अ पॉइंट पी मूविंग इन अ सर्कल आर, ये एक पॉइंट पी है और ये सर्कल में मूव कर रहा है और रेडियस आर बना के। एज वी नो डैट रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी इज़ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने पढ़ा कि वी और ओमेगा का रिलेशन ये है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी वी ओवर डी टी आएगा इज़ इक्वल टू आर डी ओमेगा ओवर डी टी, आर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी वी ओवर डी टी ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको हमने ए टी लिख लिया, यानी कि टेंशियल एक्सेलरेशन, एंड इक्वल टू आर डी ओमेगा ओवर डी टी, ये ए की इक्वल है, यानी कि ए इज इक्वल टू हमारे पास आर अल्फा, ये अल्फा है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, लेकिन ए को हमने ए टी लिखा है, टेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इसका कंपोनेंट होता है रेडियल और दूसरा कंपोनेंट होता है टेंशियल। तो ए टी यहाँ पे कौन से वाला कंपोनेंट है, टेंशियल कंपोनेंट।
तो ये हमने प्रूव किया कि ए इज इक्वल टू आर एल्फा डी ओमेगा ओवर डी टी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। उसके बाद है जी एक रिलेशन, एज वी नो डैट ए इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी, डी टी इधर आके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। अगर आप लोग दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लें, एल्फा इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट से ओमेगा, ओमेगा नॉट हमें मैक्सिमम वेलोसिटी शो करेगा और ओमेगा वेलोसिटी डी ओमेगा। अगर आप यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट करें तो डी टी की इंटीग्रेशन आएगी टी और लिमिट 0 से टी, यहाँ डी ओमेगा की इंटीग्रेशन आएगी ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा। आप इसको लिख सकते हैं, लिमिट पुट करें यहाँ पे टी 0 से टी, तो यहाँ टी आ जाएगा, तो आएगा अल्फा टी, कि अल्फा टी इज इक्वल टू यहाँ लिमिट पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा माइनस ओमेगा, अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अल्फा टी ये इस साइड पे आगे प्लस होगा, अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा। ये एक रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये वाला इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म फाइंड करते हैं जी। एज वी नो डैट वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म हमने कल पढ़ी थी एंगुलर वेलोसिटी की। डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को आप टाइम के साथ डिवाइड कर दें, डिफरेंशिएट करें, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर है तो आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। ये आएगा डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा पहले प्लस डी आर ओवर डी टी, तो ये आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है, आपने मैथ में इसको पढ़ा होगा। डी ओमेगा ओवर डी टी को हम सिंपल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ए, सॉरी डी वी ओवर डी टी को सिंपल एक्सेलरेशन ए, डी ओमेगा ओवर डी टी को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे, डी आर ओवर डी टी यानी कि ये भी हमारे पास क्या है आर एस को शो करता है, तो डी एस ओवर डी टी मीन ये वी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ये ए का रिलेशन आया है एल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी, एंड दिस इज़ अ वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, लीनियर एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल है ए टी प्लस ए आर, यानी के टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस रेडियल कंपोनेंट। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ए टी इक्वल बन रहा है ये एल्फा क्रॉस आर के, एल्फा क्रॉस आर के, और ए आर इक्वल बन रहा है ओमेगा क्रॉस वी के, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें ए टी इक्वल एल्फा क्रॉस आर, ए आर इक्वल है ओमेगा क्रॉस वी, ये चीज़ का ख्याल रखना है। ये ए टी लीनियर एक्सेलरेशन है और ये हमारे पास एल्फा है एल्फा क्रॉस आर। मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट इक्वल है जी ओमेगा क्रॉस वी, तो अगर आप देखें ओमेगा वी साइन ऑफ थीटा बनेगा, अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंटर से करके बताऊँ ओमेगा वी साइन ऑफ थीटा, ओमेगा और वी के दरमियान एंगल 90 है तो ये कितना बनेगा ओमेगा वी, क्योंकि साइन 90 जीरो की इक्वल आएगा, तो ए आर हमारे पास ए आर किसकी इक्वल आ जाएगा ओमेगा वी के, वी किसकी इक्वल होता है आर ओमेगा के, और वी की जगह आर ओमेगा पुट करें तो ए आर हमारे पास बन जाएगा, सो रेडियल एक्सेलरेशन बिकम्स ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये वी स्क्वायर ओवर आर तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में भी पढ़ा था इक्वल है, इट मीन ए सी इक्वल है ए आर की, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जस्ट इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये इक्वल है वी स्क्वायर ओवर आर के, एक फिगर में यहाँ मैंने शो किया है, अगर आप जूम करके यहाँ भी दिखाऊँ तो ऐसे देख सकते हैं आप लोग ए आर इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए आर ए सी की इक्वल है वो वी स्क्वायर ओवर आर, और इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ओ की तरफ है यानी कि मेन पोजीशन की तरफ, और ये वी टी, वी टी से मुराद है वेलोसिटी टेंजेंशियल, और ए टी से मुराद है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ए टी और ए आर के दरमियान 90 का एंगल है,
इसी तरह VT और AR के दरमियान भी 90 का एंगल है।